अच्छा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। मैं तो जब आते हैं जब यहाँ चलाते हैं लिट्टी को, जब आते हैं जब महावीर स्थान मंदिर प्रसादी चढ़ाते हैं यहाँ चलाते हैं। लग रहा है खा के? बहुत अच्छा। स्वाद कैसा लिट्टी का? ठीक है। मैं यहाँ मेट्रिकुलेशन से के समय से ही खाना खा रहा हूँ लिट्टी चोखा। यहाँ पे पुराने कस्टमर है लगता है, 15-20 साल से खा रहे हैं। जी जी। और कुछ खास है तभी तो है? खास है तभी ना, दुकान तो नीचे बहुत है, हजारों है, मगर यहाँ का जो बात अलग है भाई, बहुत दूर दूर तक नाम है चौरसिया लिट्टी का। देखिए हाथ से ही पूरा एकदम उसको रोल कर रहे हैं, या लिट्टी में घी जो है उसको डाल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये देसी। हम तो हमेशा आते रहते हैं। आते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ का स्वाद? बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है बाबू खा के? बहुत अच्छा। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए ब्लॉग में। यहाँ पे आज हम आ चुके हैं चौरसिया जी का पुरानी लिट्टी दुकान, जो कि पटना का एक फेमस दुकान है लिट्टी चोखा के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये दुकान जो है आपको जीपीओ, आप देख रहे होंगे पटना का जो जीपीओ है, जीपीओ से जो स्टेशन का रोड है वहाँ पे ये बीच में है दुकान, पिलर नंबर 6 है। पिलर नंबर 6 के पास इस दुकान में आप आ सकते हैं, यहाँ एक रास्ता जाता है, यहीं पर ऊपर में ये दुकान है, यहाँ सीढ़ी से जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए दिखाते हैं और खा के टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है यहाँ का लिट्टी और कैसा स्वाद है। में जो लहसुन का पेस्ट है उसको डाला गया यहाँ पे, उसको यहाँ पे मिक्स कर दिया जाएगा। क्या डाल रहे हैं भैया? आगे लहसुन पड़ा, अब मिर्चा व अदरक पड़ रहा। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं लिट्टी का जो है मेकिंग किया जा रहा है, लिट्टी का जो है उसके अंदर सत्तू भरा जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भैया, उसके बाद इसकी सेकाई होगी, इसका जो यहाँ पे चोखा है वो तैयार है। हाँ देख सकते हैं आप, देसी घी का डब्बा जो है वो रखा हुआ है। और कितना देर लगेगा इसको, मतलब शुरुआत होने में? 20 मिनट और लगेगा। अभी 20 मिनट लगेगा शुरुआत होने में, और अभी तक जो है लगभग 30-40 आदमी जो है वो घूम के जा चुके हैं इंतज़ार में कि अब शुरू हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट में ये शुरू हो जाएगा। और जो चोखा वहाँ पे आपको दिखा रहे थे बनते हुए, वही चोखा यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे पूछते हैं भैया से कि शॉप की टाइमिंग कब से कब तक रहती है? हाँ भैया, शॉप की टाइमिंग कब से कब तक रहती है? 11 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक। 11 से 6:30 बजे तक शॉप की टाइमिंग है। और एक लिट्टी का प्राइस थोड़ा बताइएगा। 12 रुपये पीस भैया। अच्छा, 12 रुपये पीस लिट्टी है यहाँ। सोमवार से लेकर शनिवार तक ये दुकान जो है खुला हुआ रहता है, 11 से 6:30-6 बजे तक खुला हुआ रहता है, और संडे को ऑफ रहता है, तो संडे को आप यहाँ नहीं आइएगा। और दुकान का एड्रेस जो है वो हम भैया से भी एक बार पूछ लेते हैं और आपको बताते हैं। दुकान का एक बार एड्रेस बता दीजिए। न्यू मार्केट पटना जंक्शन, हाँ? मस्जिद के जस्ट अपोजिट साइड में। तो यहाँ पटना जंक्शन के पास में ये है, हमने शुरू में भी आपको रास्ता दिखाया इसका, और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ जुटना चालू हो चुका है, और अभी लिट्टी तैयार नहीं हुआ है, अभी इसको 10-15 मिनट लगेगा। अभी कितना भीड़ लग चुका है और लिट्टी लेने के लिए जो है, लिट्टी निकल रहा है और भैया जल्दी जल्दी सेक रहे हैं लिट्टी को, और आगे वहाँ पे मिल रहा है लिट्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और लोग अभी आना शुरू ही हुए हैं, अभी लिट्टी का ये पहला लॉट ही निकल रहा है, और यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रहा है आपको कि लोग बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे थे। हाथ से ही पूरा एकदम उसको रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिट्टी निकल चुका है। कि क्या आप यहाँ पे रोज आते हैं? यहाँ हम तो बहुत दिन से जान रहे हैं कि आप फेमस जगह है, इधर आते हैं तो भाई अब उतना छोटा नीचे दुकान छोड़ के आदमी इतना ऊपर में आ रहा है तो कुछ खास है तभी तो है। खास है तभी ना, दुकान तो नीचे बहुत है, हजारों है, मगर यहाँ का जो बात अलग है भाई, बहुत दूर दूर तक नाम है चौरसिया लिट्टी का। इसको गूगल पे भी सर्च करने पे ये आ जाता है इंटरनेट पे? हाँ, गूगल पर भी सर्च करिएगा तो आपको इसका नाम आ जाएगा। मतलब क्या प्राइस क्या है इसका? प्राइस इसका ठीक है, 12 रुपया मतलब पर पीस। तब तो सस्ता ही हुआ इतना, अब हर जगह 12-15 रुपये से कम में कहेंगे। अच्छा चीज़ मिले खाने के लिए, मतलब कि बाजार का लिट्टी है। हाँ, घी का है और कोई हानि नहीं है इसमें। यहाँ देखिए भैया लिट्टी में घी जो है उसको डाल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये देसी घी है,
और यहाँ पे देखिए इसका जो चोखा है वो रखा हुआ है और लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए रहते हैं। और अभी इसका शुरुआत हुआ है, अभी ये अभी पहला लॉट ही निकला है ना भैया, अभी पहला निकला है ना। हाँ। और लोग इस पे लेने के लिए एकदम भीड़ जुट गया है पूरा। और अभी लोग जो रहते हैं कि कखनी चालू होगा। और भैया बता रहे थे कि 1:30 बजे आते तो पूरा भीड़ दिखाई देता, क्या भैया? हाँ भैया, चाहे सब ऑफिस लोग के छुट्टी होता है ना लंच के टाइम, थोड़ा मास्क हटा के बोलिएगा भैया तो आवाज़ आएगा। लंच के टाइम होता है 1:30 बजे, सब के वो आते हैं सरकारी। थोड़ा आगे से दिखा भैया, भैया इधर थोड़ा सा घूम जाइए। कर्मचारी लोग, कर्मचारी लोग, सरकारी लोग, ऑफिस से सबको आते हैं, नाश्ता करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं कि पैकिंग भी होता है, यहाँ पे लिट्टी पैक भी करवाया जा रहा है। तो पैकिंग के लिए भी भैया बता रहे थे कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ से पैक करा के ले जाते हैं भैया। हाँ भैया, दिल्ली, बम्बे, मैं बहुत जगह गया पैक। तो लिट्टी चोखा दोनों पैक कराते हैं क्या? हाँ भैया, हम पहले बोल देते हैं, मैं शाम में आते हैं लोग तब बोल देते हैं भैया चोखा नहीं जा पाएगा, दिल्ली ले कैसे जाना है तो चोखा नहीं जा पाएगा। अच्छा भैया बता देते हैं कि अगर दिल्ली लेके जाना है तो चोखा नहीं जा पाएगा, लेकिन लिट्टी भैया पैक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेकिंग चल रहा है यहाँ पे, और अभी भी भीड़ पूरा जुटा हुआ है और नीचे से लगातार लोग आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है लौट के भी जा चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा है भैया खा के। बहुत अच्छा। अच्छा, कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा, बिहारी लिट्टी चोखा फील हो रहा है। यहाँ का तो बिहार का तो फेमस है लिट्टी चोखा, लेकिन पटना का जो लिट्टी चोखा है इनका कुछ स्पेशल है इनका। अच्छा अंकल, कैसा लगा अंकल खा के? वो तो गरम गरम देता है सब, बहुत अच्छा देता है। अंकल बहुत देर से वेट भी कर रहे थे कि कब निकलेगा, और आधे घंटे से अंकल वेट कर रहे थे। आपको भीड़ लग जाता है? जी बहुत भीड़ रहता है। साफ सफाई का भी पूरा इंतजाम यहाँ पे रहता है, बहुत बहुत साफ सफाई से जाते हैं। देसी घी का लिट्टी, हाँ बहुत अच्छा। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कैसा लग रहा है खा के। बहुत अच्छा। स्वाद कैसा लिट्टी का? ठीक है। अच्छा है ना? हाँ। बराबर आते हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। लेकिन अच्छा लगा स्वाद? हाँ अच्छा लगा। अब बताइए भैया, अब स्वाद कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन। नहीं, हम तो खा चुके हैं पहले भी। भैया तो पहले भी खा चुके हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे भाई आदमी दूर दूर से आता है, दुकान तो बहुत जगह है, मगर भाई क्या भाई, तो चलिए चलो से लिट्टी खाया जाए, तो दूर दूर से लोग पैक करा के भी ले जाते हैं 10 पीस जो भी हो। ठीक ये कैसा लगा भैया खा के? बहुत अच्छा। मैं यहाँ मेट्रिकुलेशन से के समय से ही खाना खा रहा हूँ लिट्टी चोखा। यहाँ पे पुराने कस्टमर है लगता है, 15-20 साल से खा रहे हैं। जी जी, और स्वाद का आप ही बता सकते हैं, 15-20 साल से। हम लोग भी टेस्ट करेंगे। जी 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 बिल्कुल, जैसा देखने में लग रहा है कि स्वाद तो काफी बेहतरीन होगा। बहुत बहुत ही हाइजीनिक ढंग से बनाया जा रहा है, साफ सुथरा से। साफ सुथरा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी जी, और प्राइस भी बिल्कुल इकोनॉमिक है एकदम, 12 रुपए लिट्टी, अभी बहुत जगह 15 रुपए है, लेकिन टेस्ट भी ऐसा नहीं है। और टेस्ट भी ऐसा नहीं, पहली बार आए हैं क्या? ना, हम तो हमेशा आते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ का स्वाद? बहुत अच्छा लगता है। और प्राइस जो है वो भी रीजनेबल, 12 रुपए है लिट्टी, 12-15 रुपए कहीं भी मिलता है। देसी घी का लिट्टी, बहुत देसी घी का है, इसमें नहीं कोई तेल है ना कुछ है, रिफाइन वगैरह कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ है नहीं इसे। हेल्दी भी है, काफी हेल्दी भी है, और स्वाद भी एकदम लाजवाब। कैसा लग रहा है बाबू खा के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है ना, पहली बार आई हो? हाँ। अच्छा, साथ हो, कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। मैं तो जब आते हैं जब यहाँ चलाते हैं लिट्टी को। अच्छा, यहाँ आते हैं जब? जब आते हैं, जब महावीर स्थान मंदिर प्रसादी चढ़ाते हैं यहाँ चलाते हैं। यहाँ पे भैया पैक भी करवा चुके हैं और खाना भी खाए हैं। कितना पैक करवाए हैं लिट्टी भैया? 10 लिट्टी हम पैक करवाए। अच्छा, 10 लिट्टी पैक करवा के ये घर भी ले जा रहे हैं और यहाँ पे खाए भी है भरपेट। यहाँ ठीक खा लिए और यहाँ घर वाले भी खाएंगे लिट्टी। अच्छा अच्छा, तो घर वाले। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आलोक हुआ। आलोक हुआ, चलिए ठीक है। ठीक है भैया, मिल के बहुत अच्छा लगा, चलिए। तो चलिए हम लोग भी लेते हैं अपना लिट्टी चोखा और टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है इसका टेस्ट। हमारे लिए भी निकाल दीजिएगा, पहली बार आए हैं भैया? नहीं नहीं, पहले भी खा चुके हैं। अच्छा, पहले भी यहाँ पे भैया खा चुके हैं, कैसा लगता है यहाँ का स्वाद? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सभी कस्टमर जो है उनका यही एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ का जो स्वाद भी है वो बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है, और यहाँ का जो साफ़ सफाई भी है उससे सभी लोग भी खुश रहते हैं। इसका प्राइस भी जो है बहुत ही इकोनॉमिक है, 12 रुपये लिट्टी और चोखा। और यहाँ पे हमारा भी लिट्टी जो है वो निकल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए तो हम टेस्ट करते हैं लिट्टी को और बताते हैं कि कैसा है लिट्टी। तो हम्म,
काफ़ी शानदार टेस्ट है। इसमें पूरा देसी घी का जो है स्वाद आ रहा है, और इसमें सत्तू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा भर भर के दिया गया। आइए थोड़ा करीब से दिखाइए, सत्तू भी पूरा भर के दिया गया और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। लगता है दो लिट्टी से काम नहीं चलेगा, दो और खाना पड़ेगा। बहुत ही कमाल का टेस्ट, यहाँ देखिए सत्तू भी पूरा भर के दिया हुआ है, थोड़ा गरम गरम है, बहुत मज़ा आ गया। तो हम फिनिश करते हैं अपना लिट्टी और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर आप इधर आते हैं, स्टेशन के पास आते हैं, तो आप ज़रूर आइएगा चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी की शॉप पे।